सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी यूरोप यात्रा पर रवाना होंगे। अपनी 6 दिनों की यात्रा पर मोदी स्वीडन और ब्रिटेन का दौरा करेंगे। यह यात्रा 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगी। ब्रिटेन यात्रा के दौरान मोदी ब्रिटेन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। राम मंदिर को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा, राम मंदिर को मुसलमानों ने नहीं तोड़ा है। उन्होंने कहा, भारतीय नागरिक ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। भारतीयों को कमजोर करने के लिए विदेशी ताकतों ने इस घटना को अंजाम दिया था। भागवत ने यह भी कहा, अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना तो हमारी संस्कृति की जड़ें कट जाएंगी। जहां एक ओर उन्नाव और कठुआ गैंगरेप को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है, वहीं एक बार फिर से यूपी से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां यमुना एक्सप्रेस वे पर महिला के साथ गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। महिला का आरोप है कि जब वह शाम को घर जा रही थी, उस वक्त दो युवकों ने उसके साथ रेप किया। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 26 गोल्ड मेडल सहित 66 पदक हासिल किए हैं। इसी के साथ ही भारत ने एक नई उपलब्धि भी हासिल की है। गोल्ड कोस्ट में अपने अभियान की समाप्ति के साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पदों की संख्या अब 504 हो गई है। बता दें कि इससे पहले अन्य 4 देशों ने इस संख्या को पार किया था। कलर्स चैनल के पसंदीदा रियलिटी शो बिग बॉस के 12वें सीजन के लिए ऑडिशन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार के ऑडिशन में एक नया ट्विस्ट रखा गया है। आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस के घर में डबल धमाल मचेगा, क्योंकि कंटेस्टेंट अपने पार्टनर्स के साथ परफॉर्म करेंगे। कलर्स ने इस बात की जानकारी ट्विटर के थ्रू दी है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।